कैसे हैं दोस्तों, मेरा नाम है आनंद और आपका स्वागत है रिपब्लिक टेक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपके पास AMD का एक PC बिल्ड है और आपका सिस्टम RGB सपोर्ट करता है, आपके मदरबोर्ड और ग्राफिक्स कार्ड दोनों पे RGB है और आपको नहीं पता कि RGB कंट्रोल कैसे होता है, तो मैं इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि आप कैसे अपने ग्राफिक्स कार्ड और मदरबोर्ड का RGB कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा। यहाँ मैंने मदरबोर्ड और ग्राफिक कार्ड दोनों गीगाबाइट का यूज किया है, तो मुझे यहाँ ग्राफिक्स कार्ड और मदरबोर्ड का RGB कंट्रोल करने के लिए एक ही सॉफ्टवेयर लगेगा। इन केस अगर आपके पास MSI का मदरबोर्ड है और गीगाबाइट का ग्राफिक कार्ड है, तो यहाँ आपको डिफरेंट सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ सकता है। मेरे केस में यहाँ मुझे गीगाबाइट की तरफ से RGB फ्यूजन डाउनलोड करना होगा। इसके लिए आपको सर्च करना है RGB फ्यूजन और इसको सर्च कर देना है। यहाँ पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है और इस डाउनलोड वाले ऑप्शन पर एक बार प्रेस करना है। इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेना है। मैंने यहाँ पर इस सॉफ्टवेयर को पहले से डाउनलोड कर लिया है। आपके पास एक ऐसा जिप फाइल आ जाएगा, इस पर आपको डबल क्लिक करना है और आपके सामने एक सेटअप आ जाएगा। इस पर फिर से डबल क्लिक करना है और इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देना है। यहां पर इंस्टॉल पर प्रेस करना है। और फिर यस कर देना है और फिर से यस कर देना है। अब आप इसको क्लोज कर सकते हैं। अब यहां नेक्स्ट पर प्रेस करना है। मैंने यहां पर पहले से इंस्टॉल कर लिया है, इसीलिए मैं इसको मॉडिफाई या फिर रिपेयर कर सकता हूं। मैंने यहां पर मॉडिफाई को सेलेक्ट कर लिया है और नेक्स्ट पर प्रेस कर दिया है। अब फिर से नेक्स्ट पर प्रेस कर देना है और फिर इंस्टॉल पर प्रेस कर देना है। अब आपको यहां पर सर्च करना है RGB और आपको ये RGB फ्यूजन 2.0 दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर देना है और यहां पर यस कर देना है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर रेड कलर सिलेक्टेड है, इसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ से डिफॉल्ट कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, लाइट ब्लू। यहाँ पर आप जो भी कलर सेलेक्ट करेंगे, आपके ग्राफिक्स कार्ड और मदरबोर्ड पे वो कलर आ जाएगा। यहाँ पर आप चाहे तो इस कलर को ऑफ भी कर सकते हैं या फिर आप ऐसे पल्स भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पर सिंगल फ्लैश और डबल फ्लैश का भी ऑप्शन दिया जाता है और आप यहाँ पर कलर साइकिल भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आपके म्यूजिक के हिसाब से आपके RGB का कलर चेंज हो, तो आप यहाँ म्यूजिक का ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आपको एक रैंडम ऑप्शन भी दिया जाता है। इनकेस अगर आप चाहे तो इस RGB को डायरेक्टली BIOS से भी कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन BIOS में सिर्फ मदरबोर्ड के RGB कंट्रोल का सपोर्ट दिया जाता है, वहां से आप ग्राफिक्स कार्ड का RGB कंट्रोल नहीं कर सकते।